गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 2, मैप्स। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ कर्व सरफेस ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर। इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस मतलब पीस ऑफ पेपर है, उसके ऊपर अर्थ का जो ड्राइंग है उसी को अपन मैप कहते हैं। और जो मैप बनाता है उनको, जो मैप डिज़ाइन करते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं। जैसे अपन ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, ग्लोब क्या होता है, अर्थ का मॉडल। ऐसे ही अगर अपन फ्लैट पीस पे अर्थ का डायग्राम ले लेंगे तो वो मैप कहलाएगा। मैप हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इजीली। इससे भी अपन जगहों का पता लगा सकते हैं, कौन सी जगह कहाँ पर है। देर आर एरियाज, एरिया मैप्स डेट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इन एन एरिया। सिमिलरली जैसे एरिया मैप्स होते हैं, सिटी मैप्स होंगे, रोड मैप्स होंगे। और रोड मैप्स जैसे आप टूरिस्ट को देखते होंगे, वो अपने साथ रोड मैप्स लेकर घूमते हैं ताकि न्यू सिटी में उनको पता तो रहता नहीं है कौन सी जगह कहाँ है, तो इसलिए ये रोड मैप्स उनको हेल्प करते हैं। अब मैप्स के एडवांटेजेस होते हैं ग्लोब्स के ऊपर क्या होते हैं। पहला है दे ईजी टू स्टडी। मैप्स ईजी, अपन ईजीली स्टडी कर सकते हैं मैप्स को। ऑल प्लेसेस कैन बी सीन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे अपन सारी जगहों को देख सकते हैं। ऐसे ही अपन ग्लोब के केस में नहीं कर सकते थे। ग्लोब क्या था, मॉडल। मैप्स आर हैंडी, ये हैंडी होते हैं, ईजिली अपन इनको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ईजिली कैरी आउट कर सकते हैं। और अगर ग्लोब के केस में देखें तो स्मॉल ग्लोब्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं स्टडी करने के लिए, और जो बिग ग्लोब्स होते हैं वो हैवी होते हैं और उनको कैरी करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैप्स किसी भी एरिया को डिटेल में दिखाते हैं, लेकिन ग्लोब ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। और जो मैप की बुक होती है, एक ऐसी बुक जिसके अंदर मैप्स हैं, उसको एटलस कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्लान्स। प्लान्स क्या करते हैं, प्लान्स शो स्मॉल एरियाज इन ग्रेटर डिटेल। मतलब कोई छोटी सी जगह है उसको एकदम डिटेल से अपन को बताएंगे। मैप के अंदर और प्लान के अंदर बस डिफरेंस इतना ही है कि जो मैप होता है या तो पूरा होल या अर्थ का कोई सरफेस का ड्राइंग है, लेकिन प्लान जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया या कोई स्कूल हो गया, उसकी पूरी डिटेल में अपन को पूरी डिटेल्स बताएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स जैसे फिजिकल फीचर्स बताते हैं, जैसे माउंटेंस हैं, सीज है, रिवर हो गया, लेक्स, कोस्टल एरिया एंड प्लेट्यूज, इनको शो करते हैं, इनको दिखाने के काम आते हैं। ये सब अपन फिजिकल मैप पे दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल मैप, इट डिपिक्ट्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कंट्रीज, कैपिटल सिटीज, स्टेट्स एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हो गई, कैपिटल सिटीज़ हो गई या स्टेट्स हो गई, वो सब अपन पॉलिटिकल मैप के ऊपर शो करते हैं। नेक्स्ट थीमेटिक मैप, इट डिपिक्ट्स अ सर्टेन थीम और टॉपिक्स सच एज मिनरल्स फाउंड। जैसे कहीं कुछ मिनरल मिला, क्रॉप्स ग्रोन, कोई स्पेशल क्रॉप्स कोई पर्टिकुलर एरिया में ग्रो की जाती है, टाइप्स ऑफ सॉइल, पैटर्न ऑफ रेनफॉल किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। नेक्स्ट टॉपिक द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। अब मैप की कैसे लैंग्वेज होती है, अ मैप हैज़ फोर कंपोनेंट्स होते हैं जिससे अपन इसको इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड कलर्स एंड सिंबल, थर्ड वन स्केल एंड फोर्थ लीजेंड और की। फर्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मैप के। ये किसी भी जगह को लोकेट करने के काम आते हैं। जैसे टॉप है मैप का, वो अपन उसको नॉर्थ से दिखाएंगे। ऐसे ही जो बॉटम है उसे साउथ से मार्क करते हैं। ईस्ट इज़ टू द राइट ऑफ द मैप, राइट की तरफ जो होगा डायरेक्शन वो ईस्ट होगा, एंड वेस्ट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द मैप। दीज फोर डायरेक्शन आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। इन चारों डायरेक्शंस को अपन कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। देर आर सम अदर डायरेक्शन टू
अलग कुछ और डायरेक्शन भी है विच आर नोन एज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये चार नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शन हो गए, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया, ये मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ऐसे साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये चारों क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट कलर्स एंड सिंबल, जितने भी मैप्स हैं इन ये सब कॉमन कलर स्कीम को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर बॉडीज़ अगर मैप में दिखानी होती हैं तो वो ब्लू शेड से दिखाते हैं, माउंटेंस हो गए, हाईलैंड्स हो गए, ये ब्राउन और येल्लो से दिखाते हैं, स्नो कवर्ड एरियाज वाइट से दिखाएंगे, प्लेन एंड लोलैंड्स ग्रीन से दिखाएंगे। सिंबल एंड साइंस आर यूज टू रिप्रेजेंट कैपिटल सिटीज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पुलिस स्टेशन, रिवर्स इन मैनी सच प्लेसेस एंड थिंग्स। जैसे कहीं एयरपोर्ट है, रेलवे है, ब्रिजेस है, तो इनको स्पेशल साइंस एंड सिंबल से दिखाते हैं। नेक्स्ट स्केल, स्केल क्या होता है, हर मैप में एक स्केल होता है। जैसे आपको इसके जो डिस्टेंस है आपके घर से और आपके स्कूल का डिस्टेंस है, अब ऐसा नहीं है जो आपको मैप में दिखा रखा है बिल्कुल वही एग्जैक्ट होगा। मैप तो क्या कर रहा है, डिटेल व्यू दे रहा है, बट हो सकता है 1 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस है आपके स्कूल से लेकर आपके घर तक, बट इट डजंट मीन कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आपका स्कूल है। द साइज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑन अ मैप आर शोन बाय अ स्केल, ये स्केल से दिखाते हैं। मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल, अ स्केल इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ये रेशियो होता है। द स्केल डेट हैज़ बीन टेकन इज ऑलवेज मैंशन ऑन द मैप, और जो भी स्केल लेते हैं वो मैप पे मैंशन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है लीजेंड और की, हर मैप में कलर्स, सिंबल्स एंड साइन यूज़ किए जाते हैं और इनके मीनिंग समझने के लिए की बनाई गई है, इसको अपन लीजेंड भी कहते हैं। अ की इज़ यूजुअली शोन इन अ बॉक्स एट द लोअर कॉर्नर ऑफ अ मैप, मैप के लोअर कॉर्नर पे एक बॉक्स में की दिखाई जाती है। ये सर्टेन आपको दिखा रखे हैं साइंस एंड सिंबल्स, ये मैप में ऐसे ही इनको डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।